नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम लोग बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के बारे में। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि कहीं ये यहाँ से रिवर्ट ना कर जाए और कहीं यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड ना शुरू हो जाए। तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत ही सॉलिड ट्रेंड है गाइस। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि था थायलोकेयर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि 20% की जो सडन मूवमेंट आपको देखने को मिली है, जो ऑलमोस्ट 20% की आपको सडन मूवमेंट देखने को मिली है, ये सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि ये सडन मूवमेंट है और जो भी बायर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो पक्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अगेन यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक वही देखा गया है वहाँ पे आज के डेट में। और अभी अगर हम देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक स्टेप वाइज बढ़ रहा है, मतलब एक अगर आप देखिए तो रिलायंस को आप कंपेयर करके देखिए, रिलायंस का आप चार्ट लगा लीजिए, जब से उसने अपर मूवमेंट दी थी तो ठीक यही आपको मोमेंटम मिलेगा, कुछ इसी टाइप का आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि जो सेलर्स आ रहे हैं वो सेलर्स जो हैं वो स्टॉक को नीचे नहीं ला पा रहे हैं, मीन्स जो भी सेलिंग करने के लिए सोच रहे हैं वो उस स्टॉक को नीचे नहीं ला पा रहे हैं, और कंटिन्यूसली एक जो हमारा हाई है ये मतलब हायर हाई बन रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको RSI में और MACD का मैं दोनों का दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं MACD का ही देख लेते हैं। तो MACD पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत तगड़ा बुलिश का साइन है और यहाँ पे अभी कहीं पे भी हमें वीकनेस नहीं दिख रही गाइस। यहाँ पे हिस्टोग्राफ अगर आप देखेंगे तो हिस्टोग्राफ में आपको कम्प्लीटली ग्रीन बार्स दिख रहे हैं और ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, बहुत ही सॉलिड ट्रेंड का। और वहीं पे अगर हम RSI को देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, गाइस बहुत सारे लोग हैं जो इसको थोड़ा सा मीन्स इसका यूज़ जो है वो गलत ढंग से ले लेते हैं, क्योंकि RSI जो होता है वो एक स्ट्रेंथ दिखाता है, इसका नाम ही गाइस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। तो किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ जानने के लिए आपको इसका इंडिकेटर ये RSI बहुत ही अच्छी मदद करेगा। तो अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखें तो कॉन्टीन्यूसली ये ऊपर जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अभी स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम है और ये मोमेंटम जल्दी कम नहीं होने वाला है। हालांकि आपको छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिलेगी, बट जब भी कोई भी बड़ा स्टॉक गाइस एक नया हाई बनाता है, मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई एक बड़ा स्टॉक मीन्स 2000 या कोई भी स्टॉक हो, अगर वो एक नया हाई बनाता है, हायर हाई बना रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता है, और वो स्टॉक कहीं बहुत अच्छी मोमेंटम आपको दे सकता है, आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन गाइज अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग RSI को हम वापस RSI के ऊपर आते हैं गाइज, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर दिए होंगे RSI को देख के। बट अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट अगर दिखाऊं तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे जो लोग भी सेल किए होंगे उनको कितनी मोमेंटम मिली, कोई भी मोमेंटम नहीं मिली, ऑलमोस्ट 2550 के अराउंड हम लोग ले लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट करता तो उसको 23115 तक का आपको अप्रोक्सीमेटली मिलता है, इतना मतलब लेवल मिलता है। बट ये लेवल किसका लेवल है, कोई लेवल नहीं है। अगर आप यहीं से अगर बाइंग की होते समय अराउंड, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको करेक्शन रेड दिख रहे हैं, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो बंदा यहाँ खरीदा वो समय अराउंड इस कहीं यहाँ कहीं बेच दिया। और ये खास करके वो लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये जो आपको ये रेड दिख रहा है, छोटे छोटे जो ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं, ये जस्ट एक रिटेल ट्रेडर हैं और वही ये लोग यहाँ पर अपना माल बेच रहे हैं। और अगर आप देखे होंगे तो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको अभी और मोमेंटम आपको देगा गाइस। तो अगर आप इसमें होल्ड किए हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड करिए, और आपको अगर देखें तो कहीं पे भी मीन्स अगर यहाँ पे अगर तीन बार देखे होंगे, यहाँ पे तीन बार्स बनी और फिर यहाँ पे सेलिंग आई, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज़ हुआ, और फिर ये जो हमारा टॉप बना था ये वाला 2306 का, इसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर गया और अगेन यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस एरिया बनाया, फिर यहाँ से जंप किया। तो ये रिप्रेजेंट करता है गाइज एक सॉलिड ट्रेंड को। अगर आप कोई भी एक ऐसा स्टॉक निकालिए जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो कुछ इसी टाइप की आपको मोमेंटम करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे TCS के बारे में मैं अभी के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा निगेटिव फॉर्म मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट पे। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और भी फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।